जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको लेकर आए हैं खामी गांव में, जहां पर साधुओं की परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा चली हुई है, जो मोर वृंदावन से परिक्रमा स्टार्ट की जाती है और पूरे ब्रज क्षेत्र में जा करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश में परिक्रमा लगाते हुए अंत में वृंदावन धाम में परिक्रमा खत्म हो जाती है। ये साधुओं की संगति की है। आइए दिखाते हैं कैसे कैसे साधु यहाँ पर आए हुए हैं। श्री देवराह बाबा ब्रज 84 कोस पद यात्रा खाउमी गांव में आज पहुंच चुकी है। उनका यहाँ पर 17वां पड़ाव मंगलवार को श्री राम मंदिर में हुआ। 14वीं बार निःशुल्क केवल संत ही संत इसमें रहते हैं और यह 26 दिवसीय यात्रा है, जहाँ पर केवल साधु संत ही यहाँ इस परिक्रमा में भाग लेते हैं। यदि कोई गृहस्थी को भी इनके साथ परिक्रमा देना है और इनका सानिध्य पाना है तो उन्हें साधु का भेष धार करके ही इस परिक्रमा में वो भाग ले सकता है। श्री देवराह बाबा ब्रज 84 कोस पद यात्रा महामंडलेश्वर श्री रामदास त्यागी जी महाराज के कृपा पात्र रहे। संचालक महामंडलेश्वर श्री परमेश्वर दास जी त्यागी जी के पावन सानिध्य में 15 अक्टूबर रविवार को क्वार माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रातः 8 बजे मोरकुटी आश्रम वृंदावन से यह यात्रा आरंभ की और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देते देते और अंत में ये फिर मोरकुटी आश्रम वृंदावन पहुंचेंगे, जहां पर इनकी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। साधु संतों की यह परिक्रमा अपने आप में एक अजीब और एक विशेष महत्व रखती है। इसमें केवल साधु संत लोग ही रहते हैं और उन्होंने अपना प्रत्येक पड़ाव फिक्स किया हुआ है, किस गांव में, किस शहर में, किस आश्रम में उनको रुकना है। ये साधु संत का सानिध्य पाना अपने आप में एक दुर्लभ बात होती है। साधु संतों की संगति हमें अवश्य करनी चाहिए। पता नहीं किस भेष में कहते हैं कि नारायण मिल जाए। साधु संत श्री राम मंदिर खामी गांव में आज उनका पड़ाव है, वहीं पर आप ये रुके हुए हैं। साधु संतों की संगति करने से हमारा जो मन पवित्र होता है, मन के अंदर शुद्ध विचार जन्म लेते हैं। हमारा अहो भाग्य है जो साधुओं की परिक्रमा आज हमारे गांव में यहां पर ठहरी हुई है। सभी ग्रामवासियों इनकी आवाभगत सेवा में संलग्न हुए हैं, लगे हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे करके आओ। दो